हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एच में। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक परंपरा या रहस्य के बारे में बताएंगे जिसमें भाई दूज वाले दिन बहनें अपने भाई को मर जाने का श्राप देती है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, भारत में कुछ राज्य ऐसे भी है जिसमें भाई दूज वाले दिन बहनें अपने भाई को मर जाने का श्राप देती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, भाई दूज का त्यौहार बहनों के लिए बड़ा अहम होता है। यह दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। बहनें अपने भाई के घर जाती हैं और उनका तिलक करती है और उनकी लंबी आयु के लिए भी कामनाएं करती है। भाई इसके एवज में उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट दिया करता है। लेकिन कुछ जगह उत्तर भारत में ऐसी भी है जहाँ पर इसके उल्टा ही होता है। हम आज आपको उस जगह के बारे में बताएंगे। कुछ उत्तर भारतीय समुदाय में भाई दूज बनाने की परंपरा अनोखी पड़ता है। इसमें बहनें भाई दूज के दिन याम देवता की पूजा करती हैं। पूजा के दौरान वो अपने भाइयों को कोसती हैं तथा उन्हें मर जाने तक का श्राप भी दे देती हैं। हालांकि वो श्राप देने के बाद अपने जीभ पर कांटा चुभाकर इसका प्रायश्चित भी करती है। इसके पीछे यह मान्यता है कि यम द्वितीया, जो कि भाई दूज कहलाता है, भाइयों को गाली व श्राप देने से उन्हें मृत्यु का भय नहीं रह जाता और उनका यह भय निकल जाता है। इसलिए वह अपने भाइयों को मर जाने का श्राप देती है तथा उनको ऐसी ऐसी बातें बोलती है जिससे कि उनके मन से मर जाने का ख्याल भी निकल जाए। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि उत्तर भारत में एक ऐसी प्रथा है जिसमें बहनें भाई दूज वाले दिन अपने भाई को मर जाने का श्राप देती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।